राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने सूट, क्योंकि मैंने पूछा था कल वीडियो में तो बहुत सारे कमेंट आए कि नहीं, हमें तो पहले आपके जो सूट है वो देखने हैं। और सूट देखना हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लेडीज ही देखती हैं और जेंट्स तो बहुत कम देखते हैं। तो लेडीज का तो पसंदीदा काम होता है सूट देखना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सूट दिखा देती हूँ। और एक क्या है ना, मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो वहीं पे छूट गया। मतलब घर से तो मैं लेके आ गई थी, मामा के घर पे गए ना, वहां पे मैं भूल करके आ गई। तो ट्राइपॉड के बिना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगी जैसे तैसे भी। और या तो फिर इनसे मंगवाऊंगी यहीं से, या फिर वहां से अगर कोई आता होगा तो वहां से मंगवा लेंगे। ये अभी 4-5 दिन तो हम निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उसके बगैर ज्यादा नहीं निकाल सकते। जो सूट है वो सारे एक ही थैले में मैंने डाल दिए थे कि दिखाने पड़ेंगे, तो इकट्ठे ही डाल रखे हैं। निकाल लेती हूँ एक बार मैं इनको। फिर दिखाती हूँ आपको। सूट मैंने निकाल लिए हैं और चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी जो दो मैंने सिलवाए, वैसे तो आप लोग देख चुके हो व्लॉग में पहने हुए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं। तो एक सूट है मेरा ये, और ये प्रेस नहीं हुई अभी तक है, तो इसलिए तो ये देखो, ये है इसका गला और नीचे पूरे में इस तरह से इस पे जो होता है ना रेशमी सा धागा होता है उसकी कढ़ाई है, और साथ में ये नलकी वर्क है, पूरे सूट में है ये। और सलवार और दुपट्टा सेम ऐसे ही है, आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन मुझे इसका ये जो गले पे काम है ना, और एक कलर मुझे यूनिक सा लगा भाई, जैसे अरे लाल पीले काले तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और उसके ऊपर ये जो कढ़ाई है ना वो मतलब खिल के आ रही है एकदम से, ये देखो। तो एक सूट ये है, तो ही सूट सिलवाए हैं मैंने, बाकी अब देखूंगी इनमें से कौन सा सिलवाऊंगी, आप लोग बता देना। क्योंकि ये बाकी बाद में मिले, ये दो पहले गई थी ना मैं, तभी मिल गए थे मेरे को जब हम 4-5 दिन के लिए गए थे, साफ सफाई करके आए थे उसी टाइम पे, तो ये मैंने सिलवा लिए थे। और एक सूट ये है, ये देखो ब्लैक कलर का, तो इसमें ये जो सिक्वेंस का वर्क है वो रखा है और प्रिंट है। काफी अच्छा लगा मेरे को ये सूट, और मेरे को मना भी कर रहे थे अभी एक दो ने देखा कि सीमा ये मत सिलवाना, तो मैंने ये शादी के हिसाब से नहीं सिलवाया था, अभी शादी में पहनने के लिए सिलवाना है। तो ये देखिए अच्छा है, मतलब ना ज्यादा हैवी है और अच्छा भी लगेगा, तो ये मैंने इसलिए सिलवा लिया था। बाकी ब्लैक कलर मुझे आते भी पसंद है, ये भी रीजन था। तो दो सूट ये थे, और एक सूट है ये सूट मैंने बाद में चेंज करवाया है, क्योंकि एक जैसे अमित की साइड से एक ये सूट लिया था हमने, और एक सूट और था, और एक और था, तो दो सूट थे, मतलब जो शादी में आने वालियों के सूट थे, तो वे दोनों सूट। और एक मौसी ने मतलब मुझे देना था, हम जैसे वहां पे रोटी कर रखी थी तो खाना खाने के लिए आए थे, तो उन तीनों सूटों को मैंने चेंज करवा दिया कि मौसी ये इस जो ऐसे सूट है ना मेरे पास है, जैसे सीक्वेंस का वर्क था, एक ग्रीन सा सूट मैंने डाल भी रखा था पीछे वीडियो में, घोड़िये के टाइम पे डाला था, उसी टाइप के वो सूट थे। तो वैसा सूट मेरे पास है भी, और इनमें भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इस करके फिर मैंने वो चेंज करवा दिया, और उसके बदले में मैंने फिर एक सूट लिया, तीन सूट के बदले में मिला है मुझे ये एक सूट। तो ये तो फायदा हो जाता है भाई अगर घर से ही हम लेते हैं। तो ये है देखो, मैरून कलर का है, और इसमें ये जो होता है ना जीरो सीक्वेंस भी नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब सीक्वेंस का ये काम हो रखा है इसने, और गले पे पट्टी है, बटन लगे हुए हैं पूरे सूट में ही है, नीचे भी ये इस तरह से है। और ऐसा सूट सेम रितु का भी था, उसका शायद जो मेहंदी कलर है वो है, हाँ मेहंदी कलर है रितु का, और मेरा ये है, ये इसकी जो बॉटम है।
और ये है दुपट्टा, दुपट्टा बहुत ज्यादा हैवी है इसका, बहुत ही ज्यादा। तो ये देखो ये दुपट्टा है, दिखाती हूँ एक बार खोल करके, देखो मतलब पूरे दुपट्टे में ये इस तरह से काम है। ठीक है, और चारों तरफ ये जो लैस है वो लगी हुई है, और यहाँ पे ये जो मोती से है ना वो लगे हुए हैं, ये देखो दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले। तो एक सूट है ये, और मामा और के मैं पीछे बाद में दिखा दूंगी, अलग अलग करके दिखा दूं किसके कौन से हैं। तो पहले मैं जो मतलब अमित के नाम के ना वो दिखाऊंगी, तो ये दिखा दिए, और एक सूट यू है, यू वाला चले आए करें बता दे दो लेन देन के साथ में, तो यू और एक यू है, इस टाइप के थे मैं सूट जो मैंने चेंज करवाए। तो फिर ये एक सूट मेरे पास था तो इस करके मैंने वो चेंज करवा दिए। ये देखो इस तरह थे, मतलब पूरा सूट में है यू काम, और नीचे यह है जो घेरा हुआ आगरा उस पर। और ये जो सूट है वो हमारे भाती लेके आए थे, ये देखो इस तरह से है। ठीक है, ऐसे इसकी बॉटम है, और दुपट्टा इसका ऐसा है, दुपट्टे में मतलब जो कढ़ाई है जैसे सूट में है ना वैसे ही दुपट्टे में है। तो एक सूट यो है इस तरह है। ये पहले तो इनका बहुत ज्यादा रिवाज होया करता, महंगे भी आया करते, पर ये कोई को नहीं पहनता इनने, लेकिन नु मैं भाई सारा डाल के हुए हैं। तो यो सूट है और एक यो सूट है, ये देखो इस तरह पे अच्छा है सूट यो भी। तो ये हो गए हमारे घर के, हाँ एक यो है खोल रखे हैं ये भी, और ये दो सूट मेरी माँ के हैं, एक ये इसके अंदर ऐसी जो चुंदड़ी है सूट के साथ की है, ये रही, और एक यो है ये वाला, और ये इसके ऊपर चुंदड़ी है। तो ये दो सूट मेरी माँ के हैं, और दो सफारी सूट हैं, और दो तौलिए हैं, एक तौलिया पता नहीं कहाँ गायब है, ये रख दिए थे वहीं पर रह गया, मतलब दो तौलिए और दो सफारी सूट। एक तो ये अमित के नाम का है, मतलब हमारे सूटा के गल है, और ये तौलिया है, और यो मामा और जो हमारे सूट लेके आए थे उनके गल है, मतलब सबके जो सफारी सूट थे, तो यो मामा और की साइड का है सफारी सूट। ठीक है, ईव मैं दिखा दूँ आपने, रितु की साइड के हैं मतलब जो, तो यो तो रितु हमारा लेके आई थी, ननंद लिख रखा है इसके ऊपर, तो यू भी मैं सिलवाऊंगी, क्योंकि ना इसका कपड़ा मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आया, और डिजाइन भी मतलब सिंपल सोबर अच्छा है, और दुपट्टा भी सही है। दिखाऊं, मैंने बाकी वो लिया था नहीं वो फिरोजी सा कलर लिया था, पर फिर वो ज्योति ने ले लिया, क्योंकि ज्योति पे दो कलर ये एक से हुए थे, एक सूट ज्योति का ईसा ही चला गया था, तो फिर इस करके हमने कलर चेंज कर लिए। तो बाद में डाल लूंगी यो, अरे तुम्हारा लेके आई थी, और यो जो पेटी खुलाई है वो दिया था रे तुमने, यो वाला दिखाऊंगी, देखो इस तरह से यो जो गले पर काम है इसका, और दुपट्टा इसका मैंने अच्छा लग गया, ये देखो ये इसका दुपट्टा है। तो योरी तूने पेटी खुलाई दिया था, और यो मैंने उठाया था, आपने देखा होगा इसके अंदर ये जो रेड कलर का दुपट्टा है,
और यो ऋतु मेरी माँ का लेके आई थी, मतलब एक जब देके गए थे, जब टिक्का करके गए थे तो वो ज्योति ने ले लिया था, और यो मैंने ले लिया था जो दूसर में आया था। और कमेंट आए थे कि आपने रखने थे जो आपकी माँ के सूट थे, आप सिलवाए के पहन लेते, आपने दिए क्यों? तो वो एक एक सूट दिया, मतलब एक बातिया के नाम का आया था जो मेरी माँ का, वो दे दिया। और एक जब हम बिल्कुल शुरू में गए थे तो वहां पे मतलब जो रितु के घर आया था वो सूट दे दिया, क्योंकि वो भी जरूरी था। अब एक एक सूट हमने दे दिए थे, बाकी जो अंधेरा मंगे में हम बेसक कर रख सका अपनी माँ के नाम के। तो यो मेरी माँ और का आया था दूसर में, रेड दुपट्टा है इसके ऊपर, दिखाऊंगी। ये बड़ा है पूरे सूट में, मतलब यो एक काम है, और साथ में ये प्रिंट सा भी है इसमें, ये देखो इस तरह है। ठीक है, इसी इसकी जो बॉटम है, और यो इसका दुपट्टा है। तो यो दुपट्टा है, ये रितु और ने दिए थे, और या मास्टर जी हैं कि आई थी, मतलब आज्ञा थे उनकी मम्मी ने दी थी, रितु की मम्मी ने। ईव रह गए जो मैं बात मोड़न गई थी तो उस टाइम पर जो मैंने सूट मिले थे। तो पहले तो मैं दिखा दूँ नाने का सूट, तो यो सूट दिया था नाने का, जो नाने का टेबल में आया था, तो नानी पे और रह को नहीं रहे थे, तो नानी ने फिर ही नेमत कर दिया था कि बेटी यो ले जा, यो कौन सा मैं सिलवा के पहनूंगी। जो दूसर में आया था नानी वो बोल रही थी बेटा मैं यो सिलवा लूंगी और यो तुम अपना ले जाओ। तो ये देखो मारे तो देने हुए हैं नानी ने, तो नानी की तो लेके जावा है इस तरह तह गल पे या कढ़ाई, और नीचे भी है, मतलब पूरा सूट पे वो काम हो रहा है इस का। तो यू नानी ने दिया था, और यू सूट दिया है बड़ी मामी ने, ये देखो यू, और ये बन रहे हैं इसके ऊपर पूरे सूट में, फिरोजी सा कलर है, कलर प्यारा हुआ है यू, है नहीं? और दुपट्टा यू है, सूट साट मारा बहुत आंदे, मतलब बहुत कम होया अगर ऐसा हम खुद सिलवाण खातर भी, या फिर जैसे सुमन आओ या फिर कोई भी आओ, कभी भी हम सूट लेके आंदे को नहीं बैठते हैं, तो हमारा काम चल गया अगर सारा नुए। तो यो दिया था मेरी बिचारी मम्मी ने, ये देखो अच्छा है यो भी, आड़े तो यो जो बुर्स मतलब वो है ना, बुर्स ते पेंट करे अगर वो है, और ये आड़े कढ़ाई है देखो, और नीचे भी है इसमें ऐसे ही। और ये प्रिंट का इसमें दुपट्टा है, ठीक है। और ये दिया था छोटी मामी ने, ये देखो मतलब यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, ऊपर कढ़ाई हो रही है, ये देखो, और यो इसका दुपट्टा है, ठीक है। तो ये थे मामी और के, और या पैंट शर्ट थोड़ा सिला दिया अगर गल, और एक लेके आई हूँ स्टोल, देखो बहुत प्यारा कपड़ा, बहुत प्यारा इसका, बिल्कुल सॉफ्ट है, मलाई जैसा है, नहीं वाह, नरम नहीं है, ये कि मेरा आवे काम आ जाएगी नई जर्सी किसके काम आ गया, कौन कह रहा है? लेन देन मनी में हाँ, ये इसने कोई कोहे को नहीं ले भाई, पारी तो कौन है बुरी, फिर कौन कह रहा है इसने? सुमन ने दे दिया, सुमन ने कहा ये देखो इस तरह तो है, और ये इसका जो लड्डू से हैं वो लग रहे हैं, बस सॉफ्ट ज्यादा था हमने ले लिया, और जरूरत थी क्योंकि ये पता नहीं स्कूल में जाया करती, मैं यूज मैंने जद लिया था, और एक मैं मैरून नोट है वो मेरी शादी का है, तो बहुत पुराने हो रहे हैं, कम से कम यू भी 4-5 साल पुराना है, जया होया था जद से की बात है, और 6 साल का तो जया हो गया, और वो जो माए 9-10 साल हो गए, तो मैं दो स्टोल उठा करूँ, बाकी शॉल हैं दो, और यू मैंने ले लिया आन जान खातर ही। स्वेटर मैंने मंगवा ली थी वह क्रीम से कलर की, दिखाई थी मैंने आपसे। तो ये थे सूट, किसे लगे जरूर बताइयो कमेंट करके, और कौन सा सूट अपना अच्छा लग गया जो कि मैं सिलवाऊं, मैं बताऊं बाकी आपने कौन कौन सा, मैं सोच रही हूँ सिलवाने की,
एक तो यू है, यू बताइयो सिलवाऊं या नहीं सिलवाऊं, ठीक है। एक यू भी मैंने अच्छा लगे, मतलब इसका दुपट्टा भी, और जैसे इसके यू कलर मेरे पास है भी नहीं, कौन सा कलर है यू, स्लेटी सा क्या तो करें, इसमें ग्रे वो दुपट्टा प्यारा है इसका, ये देखो तो दो ये, और यू तो मैं सिलवाऊंगी, ये तो अभी देखो मेरा आया है पहली बार तो सिलवा लेंगे इसमें भी, और एक यू तो ये, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है, और बाकी देखो भी शाम ने व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। और एक हाँ एक और बात पूछनी थी, कुरुक्षेत्र गीता जयंती लाग रही है तो जान के हम सोच रहे हैं, हाँ कही हमें पूछ ली, सारे कह दें बतावांगे बतावांगे, तो फिर हमने थोड़ा सा लेट सोचे, मतलब इस बार में क्योंकि वही था आन जान में और फिर बिजी थे इस चक्कर में, तो हमने जो संडे का टाइम है वो बिठाना पड़ा है इनकी छुट्टी करके, तो एक संडे का नया और एक 19 तारीख ने, और 19 तारीख ने मतलब गीता जयंती की लास्ट डेट है, तो मैं सोच रही थी भाई जाया और हैंड आवांगे एक दिन, और अपना बड़ा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिला है, बहुत सारी दुकान लग रही हैं, तो ले आवांगे घर खातर कि मैं डेकोरेशन का सामान, ठीक है। अगर आप में तभी किसी ने आना हो तो ज़रूर संपर्क कर लियो, मेरा पूरा मन है जमा पूरा तभी पूरा है, बाकी देखो इन पे है ये थोड़े से अनाकाने सी कर रहे थे, बाकी कल रात के तो ये भी बोल रहे हैं कि ना सिमा चल पड़ांगे हैंड आवांगे, तो देखो भी कल जावांगे या फिर अगला जो संडे है उसने जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा सा आप तक अगर हम जावांगे तो चाहे छोटी सी वीडियो बना के डालनी आइयो, मैं आपने ज़रूर बताऊंगी, ताकि भाई जो आसपास के हैं या फिर उड़ा जान का मन है या उड़ा जा रहे हैं तो आप मिल लें, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर तक मिलने की जो खुशी है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी हुआ जब मैंने मेरे सब्सक्राइबर मिल जाए, चाहे वो एक बार नूँ कह जाओ कि सीमा है नहीं, तो वह चीज़ मेरे खातर बहुत बड़ी हुए हैं, ठीक है। बाकी ये तो मिले जावे हैं जहाँ भी जावा सारे, तो यही था आज का व्लॉग, और व्लॉग तो कई था सूट दिखाए हैं मैंने, तो शाम में बनाऊंगी व्लॉग तो मैं आप खातर, और फिर मिलूंगी आपने अगले व्लॉग में, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।